शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्म भूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की, नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है? प्रेम का व्याकरण पढ़ा क्या? फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी में। नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंह नाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूँ। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी हिंदी प्रेमी साहित्यकारों को, सभी को बहुत बहुत मेरा सप्रेम नमस्कार। विश्व हिंदी सम्मेलन, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित हुआ, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और फिजी में वहाँ पर बहुत एक ना भूलने वाली अनेक सुखद घटनाओं को मैं अपने हृदय में संजो के लेके आया हूँ। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में जाने के लिए मैं, मेरे जो हेतु और सेतु बने वे हैं आदरणीय श्री श्याम परांडे जी, सेवा इंटरनेशनल के आप चेयरमैन हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेवा परिषद के आप प्रमुख हैं, दूसरे श्री अनिल जोशी जी जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के आप माननीय उपाध्यक्ष हैं, और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आदरणीय संगठन मंत्री श्रीधर पराटकर जी के माध्यम से मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से बने प्रतिनिधित्व किया। और मुझे ये बताते भी बड़ा हर्ष हो रहा है, ये मैंने अपनी आकांक्षा अनिल जोशी जी से भी ये व्यक्त की थी कि फिजी जाने का मेरा एक मुख्य कारण जो है वह है आर्य समाज के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक स्वामी दयानंद जी से। दीक्षित स्वामी दयानंद जी ने 5 लोगों को सर्वप्रथम दीक्षित किया था, उसमें से हमारे परिवार के, हमारे पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी के पड़बाबा, उसकी अगली पीढ़ी हम हैं। परंपरानुसार, पारिवारिक परंपरानुसार हमारे पिताजी भी भजनोपदेशक रहे, फिर राष्ट्रकवि हुए। उस महान व्यक्तित्व का नाम होता है अमीचंद जी, भक्त अमीचंद जी। भक्त अमीचंद जी के
लिखे हुए भजन, गाए हुए भजन पूरे आर्य जगत में सुविख्यात है, बड़े श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक गाए जाते हैं। अमी चंद जी भारत के साथ साथ, चाहे मॉरिशस हो, चाहे फिजी हो, चाहे जितने भी जहाँ पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का काम है, आर्य समाज का काम है, वहाँ पर उनका बहुत ही लोकप्रिय नाम होता है। ये बात मुझे अनिल जोशी जी से ज्ञात हुई थी कि फिजी में अमी चंद जी की पोथी बहुत लोकप्रिय और प्रचलित है। तो मैं ये आकांक्षा लेकर के मैं गया था कि मैं वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के साथ साथ मैं आर्य जगत के लोगों से मिलूं। तो मैं आर्य जगत के लोगों में से मैं श्री भुवन दत्त जी, जो आर्य प्रतिनिधि सभा का काम फिजी में देखते हैं, उनसे मिला, कई जानकारियां मिली, अद्भुत जानकारियां मिली। डॉक्टर कमलेश आर्य जी, जो पूर्व सांसद हैं फिजी के, वैदिक प्रमुख आर्य समाजी हैं, उनसे मिलना हुआ। मैंने अपने पिताजी की, जो मेरे बड़े भाई डॉक्टर रविशंकर आर्य जी ने पुस्तक तैयार की है अमी चंद जी के भजनों की और यज्ञ की, वो उनको भेंट की। तो मैं वहाँ से अपने परिवार के बारे में भी अनेक मेरे लिए दुर्लभ जानकारियाँ मैं लेकर के आया। तो बहुत ही श्रेष्ठ जानकारियाँ हमें मिली। और ये तो था मेरे एक उत्साह और उल्लास का कारण। साथ ही जो विश्व हिंदी सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चात्मक सत्र रहे, उसमें हमारे आदरणीय श्रीधर पराटकर जी का व्याख्यान, श्री अनिल जोशी जी का व्याख्यान, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री श्री महेंद्र चौधरी जी का व्याख्यान, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार निर्जा माधव जी का व्याख्यान और अनेक ऐसे प्रमुख लोगों के व्याख्यान मैंने इसमें संकलित करने के प्रयास किया है। साथ ही साथ बहुत ही संकलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे ऐसे मैंने चित्रों को भी समायोजित किया है। इसको मैं डॉक्यूमेंट्री तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं एक संकलन जितना करने का मैं प्रयास कर सकता था वो मैंने किया है। और यदि आपको यह संकलन अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको साझा करने का कष्ट करेंगे, जिससे कि विश्व हिंदी सम्मेलन की जो ये सुगंध है फिजी की, बहुत ही दूर दूर तक जाए। दो शब्द आज तक मेरे मन मस्तिष्क में गूंजते हैं, फिजी के लोगों में बड़ी आत्मीयता देखी। एक शब्द था बुला, बुला का शाब्दिक अर्थ होता है फिजी का कि आपका स्वागत है श्रीमान। और एक है बिना का का अर्थ है कि आपका आभार। ये दो शब्दों ने पूरी आत्मीयता को हमारे अंदर आत्मसात कर दिया। हर समय जिस प्रकार के उनका आतिथ्य था, वह हमें बहुत ही प्रफुल्लित कर गया। इसी प्रफुल्लित भाव के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस मेरे छोटे से प्रयास को आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दशकों से देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को वैश्विक दर्जा दिलाने का भारत का जो संकल्प था, वो अब अमृतकाल में धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत फिजी से हुई है। फिजी के नांदी में हुए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान फिजी सरकार ने हिंदी को 12वीं कक्षा तक अनिवार्य करने की तैयारी की है।
अभी तक यहाँ 8वीं कक्षा तक हिंदी भाषा अनिवार्य थी। इतना ही नहीं, हिंदी के शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाए जाने की तैयारी है, जिन्हें भारत की ओर से प्रशिक्षित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटोनीवेरे ने कहा कि हिंदी दिल की भाषा है। इससे पहले फिजी की संसद में भी हिंदी बोलने और उसमें काम करने की स्वीकार्यता दी जा चुकी है। हिंदी सम्मेलन की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह युग पीछे छूट गया जब प्रगति को पश्चिमीकरण के समान माना जाता था। औपनिवेशक युग में दबाई गई तमाम भाषाएं अब वैश्विक मंच पर गूंज रही हैं। आज विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हिंदी बोलने वालों की बढ़ती संख्या वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का एक प्रमाण है। माइग्रेशन और मोबिलिटी कोई नई बात नहीं है और फिजी स्वयं इसका एक जीवंत उदाहरण है। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत फिजी में लैंग्वेज लैब खोलेगा। इसका मकसद सही हिंदी सीखना और सिखाना है। आपको बता दें कि फिजी हिंदी भाषी देशों में से एक है। यहाँ की लगभग 38% आबादी भारतीय मूल की है और हिंदी बोलने वालों की संख्या भी यहाँ काफी ज्यादा है। यहाँ लगभग 4,60,000 हिंदी भाषी अच्छी तरह से स्थापित हैं। दुनिया में हिंदी भाषा का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी अब विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। सही मायनों में यह ऐसी भाषा है जो प्रत्येक भारतवासी को वैश्विक स्तर पर मान सम्मान दिला रही है। देश की राष्ट्रभाषा हिंदी, जो न केवल भारत में बल्कि अब दुनिया के अनेक देशों में बोली जाती है। वैश्विक स्तर पर हिंदी की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष यही है कि आज विश्व भर में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में काम काज करते हैं, यानी हिंदी अब रोजगार देने वाली भाषा बन गई है। दुनिया भर के सैकड़ों स्कूल कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी है, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। महनीय कवि भारतेंदु हरिचंद के अनुसार, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिए कोसूर। आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि अपने संबोधन को हमारे सामने श्रीमान श्रीधर पाठक। इस सत्र के अध्यक्ष आप फोटो लीजिए, फोटो। परम सम्माननीय पाठक जी, विद्वत वक्तागण और समादरणीय सभाकक्ष, हिंदी का विश्वबोध और मीडिया, ये विषय है हमारा। जब इस बारे में विचार करते हैं तो भारत के लोग किसी भी कारण से क्यों ना हो संसार भर में गए। विशेष करके पराधीनता का जो समय था, उसके पहले भी व्यवसाय के निमित्त तो पुराना सारा इतिहास पढ़ेंगे तो जाते रहे हैं व्यवसाय के लिए। लेकिन बाद में के काल में अंग्रेजों के जब पराधीनता थी, उस समय भी लोग बंधुआ मजदूर के रूप में या अन्य रूप में देश भर में, संसार भर में ले जाए गए। तो जब लोग गए तो वो अपने साथ, कहीं रामचरितमानस, कहीं कुछ या अन्य साहित्य लेकर के गए, और केवल साहित्य लेकर के नहीं गए। तो जब वो अपने साथ पुस्तक लेकर के गए तो भारत की पूरी परंपरा को, पूरी संस्कृति को साथ लेकर के गए, और उन्होंने उस बात को सदैव के लिए स्मरण रखा कि हम कौन हैं। और जो हिंदी की या संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि उनकी संप्रेषणीयता बहुत बड़ी ठीक है, और वो अपने आप उपयोग होने के बाद प्रसारित होती चली जाती है।
क्योंकि मनुष्य और मनुष्यता का जितना अध्ययन और उसका प्रस्तुतीकरण इन भाषाओं के माध्यम से हुआ है, अन्य किसी भाषाओं के माध्यम से नहीं हुआ है। और जब भाषा जाती है और विशेष करके भारतीय भाषाएं जिसमें हिंदी भी है, तो शब्द अपन अकेला नहीं जाता, कभी वो अपने साथ संस्कृति, धर्म, इतिहास सब कुछ लेकर के जाता है। वो जब उसी रूप में प्रयोग होता रहता है तो उन सब वह सब चीजें वैसी की वैसी चलती रहती हैं। और यही कारण है कि भारत का व्यक्ति जहां जहां गया वहां अपने साथ इन सब चीजों को लेकर के गया। फिजी का उदाहरण हमारे सामने है, कल से लेकर आज तक कई लोगों से बातचीत हुई तो उनको ये नहीं मालूम है कि वो हिंदुस्तान में कहाँ से आए हैं, किस प्रदेश के हैं ये भी नहीं मालूम है, लेकिन हिंदी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ भूल जाने के बाद भी, तो यह परंपरा चली आ रही है इसके कारण। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मनुष्य और मनुष्यता का जितना विचार भारतीय भाषाओं में हुआ है, कालांतर में जिसको हिंदी भी आती है, उतना किसी में हुआ, चाहे हम गीता उठा करके देखें, चाहे महाभारत उठा के देखें, चाहे रामायण उठा करके देखें, मनुष्य का संपूर्ण विचार जन्म से लेकर व्यक्ति तक, मनुष्य का निर्माण कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, एक ही श्रीधर जी का अनुरोध है, वो दूसरों तक कैसे पहुंचा जाए, मनुष्य को क्यों जीना है, इन सब बातों का एक फैंक्सगिविंग करके सज्जन है जर्मनी के, वो तमाम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हुए हिंदुस्तान आए थे, आजकल पता नहीं कहाँ रह रहे हैं वो। उन्होंने महाभारत पढ़ा, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि फिर जीवन में मैंने किसी दूसरी पुस्तक को हाथ नहीं लगाया। क्या बात, क्योंकि महाभारत में मनुष्य के प्रकृति का इतनी गहराई से अध्ययन हुआ है कि आज का जो मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान उसके 1/100 तक भी नहीं पहुंचता। इतना विशद उसमें मनुष्य का अध्ययन हुआ है कि कितनी प्रकृति हो सकती है, कितनी प्रवृत्ति हो सकती है। और यही कारण है कि भारत का जो साहित्य है वो जहां जहां पहुंचा वह मनुष्य और मनुष्यता को लेकर पहुंचा। और जब इन शाश्वत मूल्य जहां पहुंचते हैं तो उस शाश्वत मूल्य को मान्यता मिलती ही है। तो एक कारण तो यह है कि भारतीय भाषा जहाँ जहाँ पहुंची वहाँ उसने अपना विस्तार किया, उसका एक प्रमुख कारण यह है। और यही हम देखते हैं कि बाहर जाने के बाद भी, अपना सब कुछ भूल जाने के बाद भी, संबंध जमीन से टूट जाने के बाद भी, हालांकि अमरबेल का दूसरा उदाहरण है, लेकिन उसकी जड़ें नहीं होती, वो किसी दूसरा पेड़ का सहारा मिल जाए तो उसके सहारे चल करके वो फैल जाती है, और इतनी फैलती है कि उस पूरे वृक्ष को भी वो घेर लेती है। ऐसे ही भारत के लोग बाहर आए तो अपने साथ जिस भाषा और साहित्य को लेकर के आए थे, वो बाहर आए उनकी अपनी जड़ें नहीं बची थी, जमीन नहीं बची थी, उसके बाद भी उन्होंने अपने जो उनकी व्याप्ति थी वो उस स्थान पर कर ली और एक प्रकार से भारत के दूत बनकर वह संसार में सतर्क रहे। दूसरा ये कहना है कि भाषा जो है वह अभिव्यक्ति का कोई साधन कहते हैं, कोई माध्यम कहते हैं, जो भी मानना हो मान लिया जाए, और अभिव्यक्ति होती है अपने को विस्तार देने के लिए। हिंदी के द्वारा जितना विस्तार मनुष्य के संबंध को दिया जा सकता है वो दूसरे के द्वारा नहीं दिया जा सकता। आजकल अगर उदाहरण के हम रूप में देख लें तो बच्चों जो घरों में कॉन्वेंट वाले हो गए हैं, जब दरवाजे पे घंटी बची वो जाके देखता है घर से अंदर से माँ या बड़ा कोई पूछता है कौन आया, वो कहता अंकल जी आए हैं। समझ में नहीं आता अंकल जी आने कौन आया, वो कहता आंटी जी आई हैं, आंटी जी आने, समझ में नहीं आता। लेकिन हिंदी में वो कहेगा ताई जी आई है, मतलब समझ जा कौन आया है, वो कहेगा चाची आई है, कौन आया है, मामा आने कौन आया है,
बुआ यानी कौन आया है, मामी यानी कौन आया है, तो संबंधों का विस्तार बढ़ता है। और अगर भाषा का प्रयोग नहीं होगा तो शब्द नहीं मरता, वो अपने साथ पूरी संस्कृति को भी लेकर के समाप्त होगा। तो संबंधों का विस्तार भारतीय भाषा के द्वारा होता है। और जहाँ जहाँ लोगों ने इस बात को समझा है, जो इस बात को समझ सके हैं, वह जो मान्यता मिलती है भारतीय भाषा को, वो इसी दूसरे कारण से मिलती है। एक तो शाश्वत जीवन मूल्य के बारे में लोगों का जानना, और जो भाषा का मूल उत्स है कि उसके द्वारा संबंधों का विस्तार होना, अपने अभिव्यक्ति को विस्तार मिलना, ये दोनों चीज़ें उसके द्वारा होती हैं। अब तीसरा प्रश्न आता है इसमें मीडिया का, जो आजकल चला है, और कृत्रिम मेधा जिसके ऊपर हम सवेर से चर्चा चल रहे हैं, तो इनका तालमेल हमको बैठाना पड़ेगा। जैसे सवेरे कहा भी था कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके साथ दोनों बातें आती हैं, कुछ अच्छाई भी होती है उसमें, कोई बुराई भी होती है। जो पुराने होते हैं वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, नए वालों को लगता है कि पुराने वाले इसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये हमेशा रहा है। लेकिन इसके साथ जो चीज़ें गंभीरता के साथ विचार करने की है, उसमें से पहली चीज़ ये कि इसके द्वारा हमारा विकास हो रहा है कि विकास अवरुद्ध हो रहा है। जैसे जो नए साधन आए हैं, क्या हमारी कल्पना शक्ति को, हमारी स्मरण शक्ति को रोक तो नहीं रहे? हम अपना ही विचार करें, अगर चार लाइन का भी जोड़ करना हो तो आज हम कर नहीं सकते हैं। अगर हमको फ़ोन नंबर पूछे तो अपने अलावा किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं है। अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो हम बता नहीं सकते फ़ोन करके। तो ये कल्पना शक्ति जो है, स्मरण शक्ति है, यह अगर इनके द्वारा हमारा विकास अवरुद्ध हो रहा है इसके कारण, तो इसका विचार करना पड़ेगा। नई से नई चीज़ को स्वीकार तो करना ही चाहिए। जिस समय हमारे यहाँ भाषा नहीं, मतलब लिपि नहीं आई थी, तो उस समय कहा जाता था कि ये लिपि तो बड़ी ख़राब है, विद्या तो वो अच्छी जो नासाग्र पे रहे। अगर जिह्वा के अग्र पे रहे, वो नहीं रहे तो किस काम की? कोई भी चीज़ पूछी का किताब देख के बताते, वो कितने बेकार है। विद्या को जो है तुरंत जीभ पर आनी चाहिए। तो ये सारी विशेषता हिंदी की हैं, इसी के कारण हिंदी का विकास भी हुआ है। भारत में कितने शासन आए, कितना समाप्त करने की कोशिश की, राजभाषा कभी फारसी को बनाया गया, कभी अंग्रेजी को बनाया गया, आज भी बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई है। तो इसी कारण समाप्त नहीं हुई है कि उसकी अपनी अच्छाइयाँ हैं, लोगों की अपनी मान्यता है। जो दूसरी भाषाओं को सर्वोपरि मान रहे हैं, वो राजनेता भी और वो प्रशासकीय अधिकारी भी, जिनका अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता, जब वो कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो भाषण हिंदी में देते हैं, वोट हिंदी में मांगते हैं। कलेक्टर भी जब जाता है तो वहाँ काम वहाँ की स्थानीय भाषा में ही करता है। तो भाषा को जानते सब हैं, भाषा को मानते सब हैं। प्रश्न कुछ राजनीति के हो सकते हैं। और इस विश्वबोध को या इस मान्यता को बढ़ाना है तो हमें अपने अंदर भाषा के स्वाभिमान को बढ़ाना पड़ेगा। अगर कुछ कमी है तो वो थोड़ी केवल इस बात की है, बाकी भाषा के व्याकरण, भाषा के अस्तित्व, भाषा की व्यापकता, भाषा के प्रभाव, इन सब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, केवल अपनी है। और जो बात अभी कही कि लोग मानने को तैयार हैं, सुनने को तैयार हैं, तो वही कहा जाता है कि बड़े गौर से सुन रहा था जमा ना हमारी, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। लोग हिंदी, लोग हिंदुस्तान को समझना चाह रहे हैं, हम उनको सुनाने की स्थिति में हैं क्या कि हम भूल रहे हैं? इसका विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद। दो बातें प्रारंभ में कहना चाहूंगा। एक तो संपादन में संक्षेपण निहित होता है, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। दूसरी बात यह कि जिस अनुशासन के साथ सत्र शुरू हुआ है उसी अनुशासन के साथ संपन्न होगा, इसके लिए भी निश्चिंत रहिए। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सुधी श्रोतागण, पत्रकारिता अपने आप को अपडेट भी करती रहती है। अभी मैं वहां बैठे बैठे कुछ बिंदु ले रहा था। पिछले सत्र में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के उपाध्यक्ष अनिल जोशी जी ने कहा कि भाषा की संस्कृति होती है,
अभी भाई साहब श्रीधर पराडकर जी ने कहा कि भाषा अपने साथ संस्कृति धर्म इतिहास सबको साथ लेकर चलती है, और परिचय जी ने भी जो सत्र का संचालन कर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि आचरण की अभिव्यक्ति भाषा से होती है। तीनों का सूत्र संस्कृति से जुड़ता है, मगर मीडिया की बात करें तो मीडिया संस्कृति से कितनी जुड़ती है, बात यहां से करनी चाहिए। और मीडिया के आप अलग अलग रूप देखिए, साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति देखिए, रिपोर्टिंग पत्रकारिता में उसको देखिए, मनोरंजन जगत में देखिए। हम कॉलेज के समय से एक बात करते आ रहे थे कि बॉलीवुड का एक गाना होता था, जेहाले मिस्किन मुकुंद बरंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है, तो इसमें सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल है हमारा दिल है, तुम्हारा हमारा बेचारा और दिल के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है, मनोरंजन संस्कृति से कट गया था। परंतु उसके साथ ही जब थोड़ा गंभीर उसकी बात करें, पत्रकारिता ने उस संस्कृति को कैसे लिया। अभी दो दिन पहले मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में सांस्कृतिक पत्रकारिता का एक विषय बोले रहा था, तो मुझे लगा मधुबनी पेंटिंग की अगर हम बात करें तो मधुबनी चित्रकला की खोज का श्रेय दिया जाता है 1934 में एक अंग्रेज को, विलियम, मैं नाम थोड़ा सा अभी उसका ठीक बता पाऊंगा बाद में, तो 1934 में उसका श्रेय दिया जाता है, मगर मधुबनी चित्रकला 1934 से तो नहीं बन रही, वो तो पहले से बन रही है। वो भूकंप की के समय में कुछ खोज करने के लिए गए थे, ब्यौरा तलाशने गए थे, वहां पेंटिंग देखी तो उन्होंने मधुबनी चित्रकला का बताया, मगर यहीं पर षड्यंत्र होता है संस्कृति के साथ। वो सीतामढ़ी की पेंटिंग भी हो सकती थी, जनक ने जानकी के विवाह के समय जो चित्र बनाए वो मधुबनी पेंटिंग है, मगर पत्रकारिता ने आपको नहीं बताया, इतिहास जो उसका लिखा गया उसमें उसे जनक से, जानकी से, सीता से काट के अगर बताएंगे तो क्या कला पल्लवित होगी, भाषा पल्लवित होगी? बिना संस्कृति के उसको प्राण कहाँ से मिलेगा, ये प्रश्न है जिस पर मीडिया मौन है। रिपोर्टिंग और बाजार की बात होती है, मगर बाजार के चलते रिपोर्टिंग में, लेखन में शब्दों को जैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। कला की बात ही करें, मंडला आर्ट बोलते हैं, मंडला मंडल के आकार में होती है, मगर मंडल नहीं बोलना क्योंकि वो भारत से जुड़ जाएगा, वो हिंदुस्तान से जुड़ जाएगा, वो हिंदी से जुड़ जाएगा। योग नहीं बोलना, उसे योगा बोलना, केरल नहीं बोलना, उसे केरला बोलना है। कुछ नया ऐसा जो भारत को तोड़ता हो वो बाजार को लगता है रुचिकर, उस पर प्रयोग किए जाते हैं, उसके लिए उसका एक रेवेन्यू मॉडल, उसका एक राजस्व का ढांचा खड़ा किया जाता है। और यहाँ बाजार के हाथों अगर सतर्क नहीं रहता तो भाषा के साथ उसके संस्कार की भी हत्या का कुचक्र साथ साथ चलता है। भारतीय मीडिया में ये हुआ है। और विश्वबोध की बात कर रहे हैं, हमारे से पहले के एक वक्ता भूगोल के थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने बात की, तो मैं विशेष कर कहता हूँ कि जब विश्वबोध की बात करते हैं तो उसका एक निश्चित भूगोल होता है, उस भूगोल के बिना आप विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, उस भूगोल के बिना आप हिंदी की भी कल्पना नहीं कर सकते। मैं 1519 की जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान उससे पहले आपने शब्द नहीं सुना होगा, हिंदी भी शब्द आपने शायद नहीं सुना होगा, मगर जब उन्होंने कहा खुरासान खसमान किया हिंदुस्तान डराया, तब पहली बार ये शब्द आया इसके भूगोल पर। क्यों डराया, क्यों उस आक्रांता के स्वभाव में नानक को ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है। मैं मुगल शासकों की भी बात करता हूँ, बाकी आक्रांताओं की बात करता हूँ, और उन औपनिवेशिक शक्तियों की भी बात करता हूँ। आप इसे भाषा के खांचे में जरा देखिए, सिर्फ वर्गीय हित की बात करना, अभी जैसे दुनिया भर में उसका विरोध भी हो रहा है और उसके लिए प्रयास भी चल रहे हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड,
वैश्विक बंधुत्व के भाव की बात नहीं करना। इसी तरह से जब अंग्रेज शक्तियां आई तो सिर्फ अपने वित्तीय हितों को कोसना, सिर्फ अपना, सिर्फ अपनी सेक्ट का, सिर्फ अपने वर्ग का यह सोचना, यह हिंदी का भाव नहीं। नाना किसी की बात कर रहे थे, गन्ने की खेती करनी थी मगर मन में कड़वाहट भरी हुई थी उसकी बात कर रहे थे, बाजार को देख रहे थे। मगर मैं एक शब्द की बात करता हूं, एक शब्द है कीमत और एक शब्द है मूल्य। कीमत चुकाई जाती है तब मूल्य स्थापित होते हैं, और हिंदी की स्वीकार्यता, हिंदी की उदारता, इसका फैलाव, मैं एक और शब्द की बात करता हूं, कैसे मूल्य चुकाए जाते हैं। श्री राम को हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, मर्यादा है तो पुरुषोत्तम है, उस मर्यादा के लिए क्या क्या नहीं चुकाया। इसी तरह से इस आज विश्व में हिंदी का गौरव अगर हम देखते हैं तो हिंदी अपने बोलियों के साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ हर जगह वो फैली है, उन्होंने वो संघर्ष किया है, उस संस्कार को बचाए रखने की कीमत चुकाई है, इसलिए आज हिंदी की वैश्विक मान्यता है, उसमें प्रसार की संभावना लोग देखते हैं। जो हिंद का स्वभाव है वही हिंदी का भी स्वभाव है। मैं कुछ शब्दों की बात करूंगा कि हिंदी का शब्दों से किसी से झगड़ा नहीं है। जैसे एक शब्द है शीरमाल, फारसी का शब्द है, मगर एक व्यंजन है, शायद हम में से कुछ लोगों ने खाया होगा, दूध में आटे को लगा के मीठी रोटी बनाई जाती है। इसी तरह से एक और शब्द है हमशीरा, जैसे हम सफर होता है, हमशीरा बहन या हम बहन के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। इस शीरा में जो व्यंजन में पड़ रहा है दूध, वही बहन के लिए भी है। हम शीरा मतलब जिसने वही दूध पिया है जो मैंने पिया है, और ये जो शीरा है ये खीर से बना है, और ये खीर सागर तक चला जाए तो किसको क्या आपत्ति है, हिंदी की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। फारसी का एक और शब्द है, अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन है, आई एम ऑल ईयर्स, बहुत ध्यान से जब सुनते हैं तो। उसी तरह से फारसी में एक शब्द है हमातन गोश, मैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को पढ़ रहा था तो उसमें यह शब्द आया, पूरा शरीर जैसे कान बन गया हो, मगर इसको उसकी युति हिंदी कैसे करती है, एक जीव है खरगोश जिसमें खर है गधे वाला और गोश है कान वाला, जिसके कान गधे जैसे हैं, ये संस्कृत से आया और फारसी तक गया है। हिंदी ने बहुत यात्रा की है इस विश्व बोध को जगाने के लिए, कोई आज की बात नहीं है, ये कहावत रही है कि जो सुख छज्जू दे चौबारे वो बलख ना बुखारे, बलख और बुखारा में जो सुख नहीं है वो अपने घर में है, इसके लिए बलख और बुखारा पहले जाना पड़ता है। हिंदी की यात्रा आज की यात्रा नहीं है, व्याकरण की नहीं। मैं कहता हूं कि ये संस्कृति की बात है तो उसमें आचार्य विनोबा की भी बात करता हूं मैं, कि तीन चीजें होती हैं, एक प्रकृति है, भूख लगी तो खा लिया, ये प्रकृति है, स्वभाव। दूसरा विकृति है, भूख लगी है मगर भूख से ज्यादा खाना, ठूस ठूस के खाना, उससे चाहे कुछ भी हो, ये विकृति है। परंतु तीसरी चीज है संस्कृति, कि खुद भूख लगी है मगर दूसरा अतिथि घर में आया पहले उसका ध्यान रखना, या मुझसे ज्यादा जिसको भूख लगी उसका ध्यान रखना, ये हिंदी, हिंदुस्तान, इसके भूगोल का ये व्यवहारिक आचरण है, खाली व्याकरण नहीं है। वरना ये वैक्सीन अगर हम देखते दुनिया में 23 करोड़ लोगों को ये, और इतने 98 देशों को ये दवा नहीं पहुँचती, ये भी हिंदी का स्वभाव है, हिंदुस्तान का स्वभाव है। मैं कुछ और शब्द अभी चले हैं, शब्दों के माध्यम से ही बात कहूंगा। योलो एक शब्द चलता है, यू लिव ओनली वंस, मीडिया की बात थी, एक फिल्म भी बना दी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मगर ये हिंदी का स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है, मैं रूसी भाषा का विद्यार्थी था तो एक शब्द पे मैं चौंका, पता चला कि रूसी भाषा में पंखे के लिए कोई शब्द नहीं है, उसको वांति लेतर बोलते हैं, गवाक्ष झरोखा या वांति लेतर बोलते हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि रूस में पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती,
इसलिए शब्द नहीं बनाया। घी, घी के लिए आपको अंग्रेजी में शब्द नहीं मिलेगा। बटर या बटर मिल्क, मक्खन का तेल वो बोलते हैं, मगर हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। यहां ये वो संस्कृति है जिसने सारे समय बदलावों के सारे मौसम देखे, और आपकी दादी नानियों को पता था कि अगर इसे टिका के नहीं रखेंगे तो आगे खराब हो जाएगा, इसलिए इसे संस्कारित करो, उसे तपाओ। मक्खन को तपाने के बाद निकलता है घी, और फिर घी टिकता है, फिर वो खराब नहीं होता। और मैंने संस्कारित इसलिए कहा क्योंकि ये संस्कार, ये शब्द आपको विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं मिलता, और यही वो कुंजी है जो हिंदी को वैश्विक स्तर पर उसकी स्वीकार्यता दिलाने के लिए जो उसका सबसे बड़ा कारक है। व्यक्ति को इस प्रकार संस्कारित करना कि नहीं सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, सबका सोचना है। अगर एक का खराब करोगे तो सबका खराब होगा। चींटी कोई रेवेन्यू नहीं दे रही जिसको दादी जाके आटा खिलाती है, कुत्ता कोई क्रेडिट पॉइंट्स नहीं दे रहा, कौवा आपके घर की रखवाली नहीं करता, मगर हम सबको साथ लेके चलते हैं। उसमें लाभ नहीं देखना, सिर्फ अपना नहीं देखना। ये जो स्वभाव है, ये सरोकार है, ये विस्तार है मन का, ये जो औदार्य है, ये हिंदी का भाव है। और मुझे लगता है आज जो संभावना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो बात होती है, विश्व बंधुत्व की बात होती है, वो हिंदी के इसी संस्कार, संस्कारित करने की क्षमता और वो संस्कृति जिसने न जाने कितने दौर देखे हैं वहां से आई है। आज कुछ तकनीकी आवश्यकताएं अवश्य हैं, जैसे आपको बहुत सारे कीबोर्ड्स को एक साथ लाना पड़ेगा, कोई मानक कीबोर्ड नहीं है। 12-13 कीबोर्ड्स को साथ लाने का काम पांचजन्य ने किया है। आगे आने वाले समय में आप अपनी भाषा में ही अपने फॉन्ट बना सकें, और ये सब कुछ तकनीकी पक्ष है पत्रकारिता से अलग, मैं कुछ तकनीकी टीमों के साथ काम कर रहा हूँ, अगर वो हो सका तो लगता है कि हिंदी की थोड़ी और सेवा कर पाएंगे, और हिंदी की नहीं, अपनी संस्कृति के लिए जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने की दिशा में एक कदम बढ़ा पाएंगे, हम सब एक कदम बढ़ाएं, तो मुझे लगता है ऐसे विचार और ऐसे सेमिनार का आवश्यकता है। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत आभारी हूँ आज के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर राममोहन पाठक जी का कि मैं सुनने के लिए यहाँ आई थी और आपने मुझे बुलाकर मंच पर बैठा दिया। पहले से मुझे कुछ पता नहीं था कि मीडिया वाले सत्र में मुझे बोलना भी पड़ सकता है, क्योंकि मीडिया में रही हूँ तो मीडिया के साथ एक जुड़ाव है, तो मैं देखना चाह रही थी क्या क्या हो रहा है, और यहाँ पर प्रिंट मीडिया के एक से एक दिग्गज विद्वान बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को बहुत आदर के साथ संबोधित कर रही हूँ। आदरणीय श्रीधर पराड़कर जी हैं, अभी हम जिनको सुन रहे थे, विद्वत्तापूर्ण उद्बोधन जिनका था हितेश शंकर जी, और कामेश्वर नाथ जी, वाइस चांसलर कुमार शर्मा जी हैं हमारे मित्र, और विपिन जी हैं, और भी जितने भी लोग हैं यहाँ उससे हम लोगों से अधिक प्रबुद्ध जन सामने हमारे बैठे हुए हैं, बहुत आदर के साथ संबोधित कर रही हूँ। कुछ अजीब सा संयोग सबके जीवन में घटता है। आज फीजी में यहाँ पर जब मैं आई और एकाएक आदरणीय राममोहन पाठक जी ने मुझे बुला लिया, तो मुझे याद आया कि जब मैं प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में आकाशवाणी वाराणसी ज्वाइन करने गई थी, तो पता चला था मेरे जो निदेशक थे उस समय वो फीजी से लौटे थे आकाशवाणी की सेवा करके या मीडिया में काम करके। तो उस समय फीजी मेरे दिमाग में आया कि फीजी से आए हुए हैं हमारे डायरेक्टर, और आज का दिन कि मैं फीजी आई हूँ हिंदी के लिए, मीडिया के लिए, और एट रैंडम, मतलब ऑल ऑफ सडन, अकस्मात, जिसको कहते हैं कि हमको बुला के बैठा दिया गया, तो मैं उसी में अभी खोई थी कि क्या कब कौन से संयोग जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ और ये संयोग जुड़ने की बात हो रही है, तो भारत में जो तकनीक है, जो मीडिया है, वो हमें लगता है कि बहुत प्राचीन काल से ही है,
एक बहुत छोटा सा उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पहले हम लोगों को लगता था कि एक अपोल कल्पना है, पूरे विश्व को लगता था जब लोग कहते थे कि संजय की आंखों से धृतराष्ट्र ने सब कुछ देखा था कुरुक्षेत्र में, तो हमें आश्चर्य होता था या लोगों को व्यंग लगता था कि इन लोगों के साहित्य में, प्राचीन साहित्य में अजीब अजीब चीज़ें भरी पड़ी हैं। लेकिन जब टीवी का आविष्कार हुआ और हम घर बैठे लंदन से और कहाँ कहाँ से जुड़ गए, तो लगा कि हमारा जो प्राचीन साहित्य है वो उसके जो तथ्य हैं, जो कथ्य हैं, उसको डिकोड करने की आवश्यकता है। आज भी बहुत कुछ अमूल्य, बहुत कुछ जो जिसकी विरासत को हमको संभालना है वो हमें मिल जाएगा वहाँ पर हमारे प्राचीन साहित्य में। एक उसका छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं कि भागवत पुराण में एक कथा आती है जहाँ कंस अपनी बहन देवकी को विदा करा के ले जा रहा है, तो आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को इतने प्यार से तू विदा करा के ले जा रहा है उसी के आठवें संतान से निरवध होगा। ये मीडिया का जो निष्पक्ष वो था रूप उस समय, किस तरह से सूचनाएं सटीक हुआ करती थी, हम उस पर विचार कर सकते हैं। और फिर इसी से संबंधित एक घटना हमें दुर्गा सप्तशती में आकर मिलती है, कैसे चीज़ें एक दूसरे से संपृक्त होती हैं, कितने अंतराल के बाद दुर्गा सप्तशती में देवी देवताओं को अपने स्वरूप की आने वाले स्वरूप का वर्णन करते हुए बताती हैं कि नंद को गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। यानी यशोदा के गर्भ से मैं, नंद के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और फिर मैं विंध्याचल पर निवास करूंगी। और वही पुत्री जो यशोदा के गर्भ से पैदा होती है वो कंस के हाथों से छूटती है और वो बोलती है कि आकाशवाणी होती है कि तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। यानी ये जो आकाशवाणी जैसा सूचना तंत्र हमारे प्राचीन साहित्य में, चाहे वो भागवत पुराण हो चाहे देवी दुर्गा सप्तशती हो, कहीं भी मिल रहा है, तो हमें इस तरह की जो चीज़ें हमारे प्राचीन साहित्य में है, प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में समाई हैं, उन चीज़ों को निकाल कर डिकोड करने की आवश्यकता है। और हमें यह समझना है कि कहीं हम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़े सूचना तंत्र और बहुत बड़े भूमंडलीकरण के उत्तराधिकारी तो नहीं हैं। इन बातों के साथ ही मैं कुछ बातें कहकर समाप्त करूंगी इस विषय पर। ये विषय से इतर था, इसके लिए क्षमा करें, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई जो सूचना तंत्र है हमारे यहाँ कितना प्राचीन है और कितना सशक्त रहा है। भारत के साथ हमेशा से रहा है जो हिंदी है। हमारे विश्वबोध की बात जब हम करते हैं तो हिंदी तो सर्वदा से विश्वबोध देती रही है। जब संचार तंत्र इतना सशक्त नहीं था, जब सूचनाएं इतनी तेजी से आ जा नहीं सकती थी, जब आवागमन के साधन बहुत अधिक नहीं थे कि हम उड़कर तुरंत तुरंत आ सकते, तब भी विदेशों से लोग गंगा का दरस परस करने के लिए भारत आते थे, वहाँ की ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए भारत आते थे, और यहाँ के संगीतकारों की पूजा अर्चना एक तरह से, जो हमारे यहाँ के हमारी संगीत परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें अवगाहन करने के लिए बाहर से, विदेशों से लोग आते थे। वो संगीत परंपरा क्या थी, किसके माध्यम से जाती थी, वो हिंदी ही थी जो वैश्विक बना रही थी हमारी संगीत परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को विश्व को दे रही थी। विश्व उसे लेने के लिए नतमस्तक होकर आता था हमारे भारत में। वैश्विक दृष्टि जो हमारे भारत की थी, चाहे वो संस्कृत से हम हिंदी की जो दुहिता है उसमें आते हैं, हिंदी के जितने भी शब्द हैं वो संस्कृत से हमारे आ रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। ये बात अलग है कि मीडिया के माध्यम से थोड़ा शॉर्टकट होने लगा, थोड़ा हम संक्षेपीकरण करने लगे शब्दों का, और कहीं ना कहीं आज के समय में हम तमाम तरह के हिंसा की आहट तो सुनते हैं, आतंकवादी घटनाएं सुनते हैं, लेकिन जो शब्द हिंसा होती है हम उस तरह की ओर ध्यान भी नहीं देते हैं कि किस तरह से प्रतिदिन हमारे हिंदी के बहुत सारे शब्द मर जा रहे हैं और हम उसकी ओर से ध्यान अपना हटाए हुए हैं। इस ओर हमें ध्यान देना है। विश्वबोध
करा रही है हिंदी, विश्व तक पहुंच रही है हिंदी, लेकिन किस रूप में पहुंच रही है मीडिया के माध्यम से, उसे भी हमें देखना है कि एक आंटी शब्द ने हमारे तमाम कोमल रिश्तों को कितने अपशब्द कहे हैं, हमारी मौसी, हमारी चाची, मामी, ये अलग अलग रिश्ते हैं, बुआ, लेकिन इनको एक शब्द आंटी ने एक तरह से अपशब्द कहा है। आंटी बुआ नहीं हो सकती, चाची बुआ नहीं हो सकती, मामी मौसी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से जो शब्दों के साथ हिंसा हो रही है, हमें मीडिया के माध्यम से इस ओर भी ध्यान देना है कि हम विश्व को जो हिंदी दे रहे हैं उस हिंदी को समग्रता के साथ दें, उसके जो उदात्त भावनाएं हैं उसमें छिपी हुई जो संस्कृति है, क्योंकि हर शब्द अपने आप में उसका एक फल होता है, उसका एक कर्म फल होता है शब्द का। तो शब्दों का अपना एक अर्थ है, शब्दों की अपनी एक संस्कृति है। हम अमराई बोलते हैं तो अमराई के साथ पूरी एक संस्कृति हमारे सामने आती है। हम जब कोई और शब्द बोलते हैं तो उसके साथ पूरी एक हमारी संस्कृति साथ आती है। तो उस संस्कृति के साथ उन शब्दों का अस्तित्व हमें बचाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारत देश है जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा निकलती है, और वसुधैव कुटुंबकम केवल एक नारा नहीं रहता है बल्कि हमारा जीवन दर्शन होता है, हमारे लिए आकाश पिता होता है, धरती माँ होती है, हम लोग बिल्ली को भी मौसी कहते हैं, कौवा भी आदरणीय हो जाता है पितृ पक्ष में, तमाम हमारे पूरे सृष्टि के साथ हमारा एक नाता जुड़ता है, एक कोमल रिश्ता बनता है, एक मानवीय संवेदना के साथ हम जुड़ते हैं पूरे सृष्टि के साथ। इसलिए उस मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मीडिया को पूरे विश्व के साथ हिंदी को जोड़ने की आवश्यकता है। कोरोना काल में हम लोगों ने मीडिया का वह सकारात्मक रूप देखा है जब हिंदी के माध्यम से पूरे विश्व के साथ हमको मीडिया ने जोड़ा। हम घर में बैठे हुए थे लॉकडाउन के पीरियड में, और हम मीडिया के माध्यम से पल पल की जो खबरें थी, वो इटली में क्या हो रहा, अमेरिका में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये मीडिया की देन थी कि हम घर में बैठकर सुरक्षित थे। वो हमें दिशा निर्देश दे रही थी मीडिया, आपको ये करना है, ये खाना है, ऐसे रहना है, यहाँ जाना है, और फिर भी हम पूरे वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए थे, और उस वैश्विक स्तर पर जोड़ने वाली मीडिया हिंदी के माध्यम से हमें जोड़ रही थी हमारे घरों में बैठे बैठे। तो उस विश्व बोध वाली भाषा हिंदी को लेकर हम यहाँ फिजी में आए हुए हैं, पूरे विश्व में हम उस हिंदी के माध्यम से ही पूरे विश्व में जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है जापान जाए, अमेरिका जाए, कहाँ कहाँ जाए, हिंदी को लेकर वो हिंदी है जो हमें विश्व के साथ जोड़ रही है, वह मीडिया है जो हमें हिंदी के साथ जोड़ रही है। तो मीडिया के अस्तित्व को भी हमें बनाए रखना है, और हिंदी के शब्दों को, उनकी संस्कृति को भी हमें बचाए रखना है, भाषा के संस्कार को बचाए रखना है। और वैश्विक तो हम हो रहे हैं, हिंदी अपना वैश्विक स्वरूप प्राप्त कर रही है, ये सुखद पक्ष है। आप लोगों ने मुझे समय दिया, बहुत आप लोगों की मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से बातें संभव नहीं है, परंतु कुछ सूत्र जो हमारी बातचीत में से निकले हैं, जो पूर्व वक्ताओं ने कहे या मेरे ध्यान में है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि मेरा भी ट्रिनिडाड भी जाना हुआ, सुरीनाम भी जाना हुआ, मॉरिशस भी जाना हुआ, हमारे साथी हैं कुछ गुयाना इत्यादि भी गए। दुनिया के जितने भी गिरमिटिया देश हैं उसमें हिंदी अगर कहीं सबसे अधिक जीवंत तो वो फिजी है। और ये एक तथ्य नहीं है, ये एक विरासत है जिसकी रक्षा हमको करनी है। वर्ष 2015 में मेरा फिजी में आना हुआ था द्वितीय सचिव के रूप में। तो जब मैं 2015 में आया तो मैंने देखा कमला प्रसाद मिश्र जी का 90 के दशक में देहांत हो गया था। कमल जी मेरे सामने ही जब मेरा कार्यकाल चल रहा था उनका देहांत हुआ, और प्रोफेसर सुब्रमणि के उपन्यास उससे पहले आ गए थे, और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि उनको विश्व हिंदी सम्मान भी दिया गया, और विवेकानंद जी भी जा चुके थे विवेकानंद शर्मा। तो कुल मिलाकर हिंदी की एक नई पीढ़ी, एक युवा पीढ़ी खड़ी हो इस देश में, ये हमारा प्रयास।
और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन, जो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मेरे सामने जिसमें मैं फिजी से जुड़ा हूँ वो हो रहा है, 2015 का जो फिजी में विश्व जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था भारत में भोपाल में, और उसके बाद जो 2018 का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में, इन दोनों विश्व हिंदी सम्मेलनों में फिजी की संख्या मॉरिशस के बाद सबसे ज्यादा थी। तो ये आज जो तीसरा दिख रहा है, हम तीसरे को ना देखें, ये बात तब से शुरू हुई थी। और शिक्षा मंत्रालय के हमारे जो विशेष रूप से अधिकारी हैं, कई अध्यापक बैठे भी हुए हैं, तो चाहे अशोक बाल गोविंद जी हैं, श्वेता है, श्यामला है, बहन जी सामने बैठी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इंदु जी हैं, जो विश्व हिंदी सम्मेलनों में गए। आज का विश्व हिंदी सम्मेलन जो हमारे सामने हो रहा है, ये इनकी मेहनत का प्रतिफल है। हम कल्पना नहीं कर सकते, एक सामान्य अध्यापक लाखों रुपए का लोन लेकर विश्व हिंदी सम्मेलन जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि 2018 में मुझे मॉरिशस में गया, और मॉरिशस जाकर मैंने ये प्रस्ताव रखा कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होना चाहिए। मुझे ध्यान है कि 75 में भी ये प्रस्ताव आया था, 99 में भी विवेकानंद शर्मा जी ने ये बात की थी, बाद में जैसे भुवनदास जी कह रहे हैं कि एक बार फिर ये चर्चा चली थी विनोद कुमार जी जब हाई कमिश्नर थे, लेकिन अंततः 2018 में जो प्रस्ताव था वो स्वीकृत हुआ और आज हम विश्व हिंदी सम्मेलन को देखें। अभी मनन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने ये कहा कि हमको ये तय करना है कि हमको हिंदी को बोली बनानी है, भाषा बनानी है। एक लहर ऐसी चल रही है जो आपको बोलचाल की भाषा के रूप में तो हिंदी अच्छी है, परंतु अगर आपको उसकी लिपि नहीं आएगी तो आप लाखों लाखों पुस्तकें जिसमें अथाह ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है आप उसको पढ़ नहीं सकते। आप ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम में तो बात कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, परंतु एक विशाल विरासत से, विशाल परंपरा से वो लोग अलग हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा फिजी बात से कोई विरोध है, फिजी बात जो है वो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। एक बच्ची ने कहानी लिखी थी, हमने उसको भारत भी भेजा, तो जब उसकी मैंने कहानी देखी फिजी बात में, तो मैंने उसको कहा कि ये कहानी अगर तुम मानक हिंदी में लिखती तो 15 साल बाद लिखती, पर तुमने फिजी बात में लिखी तो अभी इस आयु में तुमने इतनी अच्छी कहानी लिखी। तो उसकी जो समृद्धता है, जो सहजता है, जो सरलता है, उसको भी पकड़ना है, परंतु साथ ही मानक भाषा के रूप में भी हिंदी को विकसित करना। और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आज से एक सप्ताह पूर्व आपके जो प्रधानमंत्री हैं फिजी के, आदरणीय प्रोफेसर विमान प्रसाद जी, वो भारत आए थे। मैं, नारायण जी, हम सब लोग थे उनके साथ, रात्रि भोज किया, और उन्होंने भी कहा कि मेरी जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि फिजी हिंदी एक मानक भाषा, हिंदी जो है एक मानक भाषा के रूप में फिजी में विकसित हो। उनको रेडियो की भाषा को लेकर भी उनकी कई चिंताएं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोनों जो भाषाओं के जो दोनों स्वरूप हैं उनको जोड़ते हुए हम कैसी हिंदी विकसित करते हैं। तीसरी बात यह है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले, मुझे कहा गया कई अंकों के लिए लिखने के लिए, तो एक लेख इसी में प्रवासी जगत में लिखा था, जिसमें कहा लिखा था मैंने, जिसका चर्चा इंदु जी ने और सुभाषिनी जी ने भी की, वो था कि हिंदी साहित्य के ब्रह्मा विष्णु महेश, फिजी में हिंदी साहित्य के ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कमला प्रसाद मिश्र, यानी जोगेंद्र सिंह कंवल और प्रोफेसर सुब्रमण्य। लेकिन कमला प्रसाद मिश्र की जो मैं जयंती प्रसाद मिश्र की वो पढ़ रहा था संपादित रचनाएं, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो 10,000 से ज्यादा रचनाएं की थी। वो लिखते तो थे पर छपवाने का उनको कोई शौक नहीं था। तो मैं समझता हूं कि विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि उनकी जितनी रचनाएं छपी हैं उससे कई गुना ऐसी हैं जो अप्रकाशित। हम जानते हैं कि यहां से जय फिजी पत्र निकलता गया, जागृति पत्र निकलता रहा, क्योंकि यहाँ के लेखकों के पास कोई पत्रिका नहीं थी, तो उन पत्रिकाओं में छपे हुए जो साहित्य के हजारों हजारों हमारे पास खजाने
मैं समझता हूँ कि उसको हमको संभालना चाहिए और उसको प्रकाशित, जैसे आज सुभाषिनी जी ने बहुत अच्छा काम किया सब लोगों को लेकर, तो उसको प्रकाशित करने का काम एक बात और जो इस बात से निकलती है वो ये है कि वह रामायण जिसकी तरफ हम लोगों का कम ध्यान गया, वो ये है कि अब मैं प्रोफेसर सुब्रमण्य की पुस्तक जिसका जिक्र किया फिजी माँ, वो समर्पित है किसको? गोस्वामी तुलसीदास। फिजी बात के सबसे 1000 प्रश्नों की पुस्तक है, और उन्होंने कहा कि मैंने जो लिखना सीखा है वो तुलसीदास से सीखा है। यहां 2000 से भी ज्यादा रामायण की मंडलियां, और भाषा जो है वो संस्कृति से अलग नहीं है। आज अगर 2000 से भी ज्यादा रामायण मंडलियां अपने आप को प्रेरित करती हैं, समर्पित करती हैं और दुनिया में एक आदर्श और एक मानक के रूप में प्रस्तुत करती हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि आने वाले समय में, आने वाले युग में किस प्रकार से हम उस जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, चाहे कबीर पंक्तियों के नाम की, चाहे रामायण के नाम की, चाहे सत्यनारायण कथा, जितनी भी सब चीज़ें हैं, आज हमारे बीच में दो प्रमुख स्वामी भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको, जिसकी, जिस विरासत को हमको बनाकर रखना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए। मित्रों, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, मैं 2000 में इंग्लैंड में गया था जब 99 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। आज दुनिया में इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं, हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी का जो नक्शा है उसमें सबसे अग्रणी है। तो इस विश्व हिंदी सम्मेलन पर हमको ये संकल्प लेना है कि हमने भी फिजी को, और फिजी में जो क्षमता है वो इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। कारण यह है कि फिजी तो यहां पर तो जन जन की भाषा है, वहां ये भाषा जन जन की भाषा नहीं, वहां पर भारतीयों की भाषा है। और साथ ही हम अपना जो दूसरा जो आदिवासी समाज है, मुझे इस वक्त अमरजीत कंवल जी और नेमानी जी को हमने पिछली बार सम्मानित किया था, जो आदिवासी समाज से थे, स्वामी जी ने उल्लेख भी किया, रामायण का उन्होंने अनुवाद किया था, तो हम उनको भी याद करते हैं। और उस समाज में भी उतनी ही उत्कंठा है सीखने की, हिंदी की, ऐसा मेरा इन वर्षों के अंदर अनुभव है। तो मैं समझता हूँ कि जो मनहर जी की चिंताएँ हैं, जो उन्होंने बातें की कि हिंदी का भविष्य क्या होगा, भगवान प्रसाद जी ने भी कहा, तो उन चिंताओं का, जब आज सुबह भी भाषण हो रहा था कि भारत अब एक महाशक्ति बनने वाला है, व्यावसायिक क्षेत्रों में भी हिंदी आ रही है, और समाज में जिस जागृति की आवश्यकता है, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसको लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे, और आज फिर पुनः हम जिन लोगों ने, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने ध्यान दिलाया, चाहे तोताराम सनाडे जी हैं, चाहे मणिलाल जी हैं, चाहे वशिष्ठ मुनि हैं, चाहे अमित चंद जी हैं, चार समाज के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, रामचंद्र विशारद हैं, और जिन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का या कुमित जी का मैंने उल्लेख किया, उनका स्मरण करते हुए हम इस हिंदी के रथ को आगे ले जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं यहाँ पर एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ, वो है प्रशांत में हिंदी, क्योंकि अभी तक ये इसका विषय है फिजी में हिंदी नहीं, प्रशांत में हिंदी। मेरे सामने रेखा राजवंशी बैठी हैं, सुनीता नारायण जी हैं न्यूजीलैंड से, मैं समझता हूँ कि वहाँ की समस्याएँ फिजी की समस्याओं से कुछ अलग है। वहाँ पर हमको प्रौद्योगिकी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, समन्वय का ज़्यादा प्रयास करना है, और जिस तरह से इंग्लैंड और अमेरिका की समस्याएँ हैं वो उसी तरह की समस्याएँ लगभग उन देशों में हैं, उनका हम सामना कर रहे हैं। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उनके साथ है कि फिजी के लोग एक एंकर की तरह से दोनों देशों में, तो उन देशों में भी उनकी क्षमताओं का अगर हम उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उन देशों में भी हिंदी आगे विकसित हो सकेगी। क्योंकि ये सम्मेलन, मैं ये नहीं मानता कि फिजी का है, ये पूरे प्रशांत का एक सम्मेलन है। इसको इसी रूप में लेते हुए प्रशांत में हिंदी के विस्तार का संकल्प हम सब लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभा अध्यक्ष श्री शर्मा जी, पूज्य स्वामी जी, आज हमारे साथ दो दो स्वामी भाग्यशाली है हम देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार को, फिजी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होगा।
इसका प्रभाव हम भारतीयों पर कैसा होगा इसको आप प्रतीत नहीं कर सकते शायद, बट इट विल हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर ऑफ हिंदी इन दिस कंट्री। बात एक है, मुख्य जो प्रॉब्लम है हमारा, यहाँ दो हिंदी चल रही है पैरेलल, एक फिजी हिंदी विच इज़ कॉन्वर्सेशनल हिंदी, और जिसके विषय में बड़ी बारीकी से पूर्व वक्ताओं ने समझाया है कहाँ से आई कैसे आई, और ये कभी नहीं मिटेगी, ये चलता रहेगा कि दिस इज़ कॉन्वर्सेशनल हिंदी, हर घर में बोला जाता है, काम पे बोला जाता है, खेल कूद में बोला जाता है, तो ये चलता रहेगा। खतरा है फॉर्मल हिंदी का, शुद्ध हिंदी जिसको हम कहते हैं, तो उसके विषय में कुछ करना आवश्यक है। जैसे बतलाया है श्री भुवन दत्त जी ने कि खुद माँ बाप अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं कि वे हिंदी ना लें, हिंदी ना पढ़ें, और इसके कारण हम देखते हैं कि हमारी जो भाषा हिंदी है फॉर्मल भाषा वो खतरे में है। इसका समाधान क्या है इसे हमें ढूंढना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस। तो इसका समाधान मेरे ख्याल में सिर्फ ये है कि ये इट मस्ट बी अ नेशनल पॉलिसी टू मेक द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन मल्टीरेशियल कंट्रीज कंपलसरी इन स्कूल्स। जब तक आप इनको स्कूलों में नहीं पढ़ाएं मैंडेटरी तौर पे, कंपलसरी तौर पे, दिस विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम, हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगा। बट इट इज़ फॉर आवर लेजिस्लेटर्स, जो हमारे संसद में है मुख्य तौर पर हमारे भारतीय MPs, इनका ये जिम्मेवारी है ये इस पर दबाव डालें। फिजी इज़ अ मल्टी रेशियल कंट्री, आप जानते हैं यहाँ तीन मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं, तीनों को संविधान में मान्यता दी गई है, सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद गिविंग देम इक्वल रिकग्निशन इन आवर स्कूल्स। इट इज़ गुड फॉर हार्मनी बिटवीन द रेसेस, इफ वी कैन स्पीक ईच अदर्स लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। अगर जो हम एक दूसरे की भाषा बोलेंगे पढ़ना जानेंगे तो हम उनकी एक दूसरे की संस्कृति सभ्यता संस्कारों को भी समझेंगे, एंड दिस विल ब्रिंग अबाउट हार्मनी अमंग्स द रेसेस। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर आवर एम्फेसिस शुड बी, यहाँ पर हमारा मुख्य ध्यान होना चाहिए। जैसे किसी ने बतलाया कि एक समय यहाँ चार चार न्यूज़पेपर निकलता था हिंदी में, आज एक भी नहीं है। शांति दूत निकलता है तो सिर्फ दिवाली के समय निकलता है, और मुख्य तौर पे वो एडवर्टिजमेंट सिर्फ उसमें रहता है, तो पैसा बनाने के लिए निकालते हो साल में, और सब बंद हो चुके हैं। आदि निवासियों का भी न्यूज़पेपर यहाँ था नलाला का ही, वो भी बंद हो चुका है, सो देयर इज नो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, माध्यम है ही नहीं। अब ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी, न्यूज़पेपर्स अंग्रेजी, तो सभी जगह अंग्रेजी है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। ऑफिस में अंग्रेजी, वहाँ खास करके जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं ये अंग्रेजी में ही बोलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स जो है वो लोग अपने भाषा में बात करते हैं, और जहाँ दोनों हमारे समाज के लोग का ये तौके और भारतीय लोग हैं, वहाँ पर भी अगर जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते तो अंग्रेजी में बोलते, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। जब तक हमें इसको मैंडेटरी नहीं कर देते, एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल में ये होना आवश्यक है। हमारे समय विच इज़ लॉन्ग अगो व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल, उस समय हिंदी कंपलसरी था, और अप टू क्लास फोर तक हिंदी वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई हिंदी में होती थी, फाइव के बाद में अंग्रेजी में शुरू होता था। यहाँ पर फॉर्मल हिंदी का इस्तेमाल होता है, इट नीड्स टू बी मेड मोर वाइड स्प्रेड। राजनीतिक मंच पे
चुनाव अभियान में हम हिंदी बोलते हैं, इट्स फॉर्मल हिंदी, फॉर्मल ओकेजन्स में, विवाह में, पूजा में वगैरह फॉर्मल हिंदी बोली जाती है. सो इट कैन बी डन एट द होम लेवल, एट द वर्क लेवल एंड ऑल दैट. वी नीड दैट एफर्ट टू डू इट. और बहुत इसमें कहा, बहुत लोगों ने बड़ी विस्तार पूर्वक समझाया हिस्ट्री. मान हिंदू ने पूरा आपको ग्रीमिट से लेकर आज तक का इतिहास दिया है, तो उसको दोहराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन यही मैं अर्ज करूँगा कि जो लोग इस कार्य में खास करके काम करते हैं, हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं यहाँ हैं, जो हमारी सरकार में हैं, वो इस बात पर ध्यान दें और ऐसा हो कि जो पॉलिसी बनाई गई थी फीजी में बानी मरामा सरकार द्वारा, पिछले सरकार द्वारा लगभग 10-15 वर्ष हुए, कि तीनों भाषाएं, दोनों भाषाएं जो वेनिकुलर लैंग्वेजेस हैं, ये स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी, प्राइमरी स्कूल्स दे विल बी कंपलसरी. लेकिन उसको कार्यरूप नहीं दिया गया, इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड. ऑल वी हैव टू डू इज, इट इज़ अ कैबिनेट डिसीजन ऑलरेडी टेकन, ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट. ऑल वी हैव टू डू इज टू इम्प्लीमेंट इट, टू फाइंड रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट इट. And then I think we'll achieve a great deal. Hindi premium, Hindi vidwanon, mitra. Aaj hum is Vishwa Hindi Sammelan ke antim charan mein aa chuke hain. Pichle dinon mein hum sab ka anubhav hua tha, hum sab logon ne bhag liya hai 10-50 satron mein. तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, तो प्रदर्शन भी थे. और इस अवसर पे सबसे पहले मैं अपना आभार, कृतज्ञता मैं प्रकट करना चाहूँगा उन लोगों को और उन व्यवस्थाओं को जिनके बिना ये आयोजन सफल नहीं होगा. सबसे पहले जो है ये आभार मैं करूंगा फिजी सरकार, फिजी सरकार, क्योंकि जैसे आप सब लोगों ने देखा कि महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने इस कार्यक्रम को कितना समय दिया, उनकी भावना, उनकी रुचि, वो सब आप लोगों के सामने प्रदर्शित था. और उनके अलावा कि मंत्रिमंडल के तीनों प्रधानमंत्री, खासकर हेमंत प्रसाद जी, उनकी उपस्थिति और जितना सहयोग और सहारा जो हमें मिला इस सरकार से, सचमुच अगर सफलता का ये कारक एक बहुत बड़ा कारण है तो ये बीजी सरकार का. मंच पे बैठे थे तो बीजी के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हिंदी फिल्मों का मेरे पर बहुत प्रभाव है, मुझे मैंने बहुत फिल्म देखी. तो मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए सबसे फेवरेट, आपका सबसे प्रिय फिल्म कौन है? सर, तो उन्होंने कहा वो नो क्वेश्चन शोले. उन्होंने कहा मुझे अभी भी वो गाना याद आता है, वो दोस्ती. तो वो दोस्ती की भावना जो हमने पिछले 2-3 दिन से अनुभव किया है और इसके लिए हम लोग बहुत करते हैं. फिर मैं थोड़ा बहुत मैं ICCR के बारे में कहना चाहूँगा कि आज हमारे बीच उनके डायरेक्टर जनरल कुमार तोहिन जी उपस्थित हैं. ये ICCR के प्रयास से 31 देश के हिंदी विद्वान हमारे बीच आज बैठे हैं. और उनके लिए ये पूरा व्यवस्था करना कि वो फीजी, क्योंकि काफ़ी थोड़ी से बहुत लोग आए, तो ICCR ने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम की सफलता के लिए और इसको भी हमें पहचानना होगा, मानना होगा. तो मैं कहूँगा जो हमारी टीम MEA जो और उसमें खासकर मुरलीधरन जी का जो नेतृत्व है, जो हमारे सचिव हैं,
जो सेक्रेटरी ईस्ट जो हिंदी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं सौरभ कुमार जी, और जो हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बहुत उस पर काम किया है और उनकी भी योगदान कोई कम नहीं है इसमें, और वो भी मैं हमारे उत्साह जो हैं कार्तिकेय जी हमारे सामने बैठे हैं और उनकी और उन्होंने उन जो यहाँ की जो अरेंजमेंट्स जो हैं जो ज़्यादातर हम लोगों ने हम उन पे निर्भर थे, और जैसे आपने देखा कि जो भी आपने अनुभव किया है पिछले दिनों में वो उन्हीं के कारण है, तो उनको भी अगर इस सम्मेलन के दौरान मैं कुछ समय निकाल के मैं राजधानी सुबह भी गया था, और जो प्रोफेसर विमल प्रसाद जी ने जो जिक्र किया कि कल वहाँ संसद में एक बार फिर हिंदी में भाषण देने का जो अनुमति जो दी गई है, मुझे खुद मैं थोड़ा लेट पहुँचा तो मैं उनको तो मैं सुन नहीं पाया, पर उनके जो साथी जो हैं चरणजीत सिंह उनकी भाषण को जो है मैं गैलरी में बैठा था तो मुझे सुनने का सौभाग्य मिला। तो जो एक किस्म से उनके इतिहास में एक ये महत्वपूर्ण घटना है, और हमें जो है मैं पुनः फिजी सरकार और फिजी के सभी लोगों की तरफ से आप लोगों का विशेष विशेष स्वागत करता हूं। और आप सभी को विशेष धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सभी इस ऐतिहासिक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिए हैं। हमारे देश के लिए, फिजी के लिए, हम सभी हिंदी प्रेमियों के लिए यह विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत ही ऐतिहासिक है, और ये सम्मेलन और विशेष करके भारत के जितने सदस्यगण हैं उनके नेतृत्व में महामहिम हर पल मस्ती और रंगीन विरासत मौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमौला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमौला नमकीन। सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमौला नमकीन। So on our way back, we were going to Nandi Town and stop at the markets before we head back. We come back on the other side for you to take more pictures before we head back. So once again, ladies and gentlemen, beautiful smiles, happy people. That is the only Hindu temple we have on this side. This is the largest one in the Southern Hemisphere. So when they start constructing, we don't even know that the Hindu temple is the one thing they were constructing, because construction board was that high. So when they were done with painting and all, the construction board goes down, and then we know we have the largest Hindu temple on this part of this side. ये सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, और ये
माई रे तू माई यार मैं भी नहीं क्यों भाई हरे बनता जाओ ही बेदाओ 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 अकामो ही ही अकामो ही 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 हाउ मत रूट कैंडल सर रबा मेरे ये सर हाँ तू तो 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 It's called Umbalem. So this is the story of the people of Boa. They move away from Verata Inte Lemu to settle in Olemu. सम्मेलन में बड़ी संख्या में साहित्यकार पत्रकार हिंदी प्रेमी फिजी पहुंचे हम उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यह आयोजन मीट का पत्थर डालना चाहिए ये अवसर आनंद का है। ये जो यात्रा शुरू हुई पहले नागपुर से लेकर के बारहवीं सिद्धि तक ये भारत के विराट स्वरूप को ज्ञान व्यक्तित्व को हिंदी की महत्ता को पूरे विश्व में प्रदर्शित कर रहा है। साथ साथ जब हम यहाँ आए हमें लगा ही नहीं कि हम भारत के बाहर गए। अपना घर अपनी संस्कृति अपना रहन सहन अपनी बोली अपना भाषा अपना प्यार अपना स्नेह ये सब हमें फिजी में देखने को मिला और लगा हम भारत से निकल करके दूसरे भारत में आ गए। साथ ही साथ और आनंद की बात है कि इस समय देश अपना अमृत काल मना रहा है और अमृत उत्सव के समय में ये बारहवां उत्सव हिंदी के लिए हो रहा है और जो हिंदी विश्व की भाषा है उसके मान के लिए उसके मर्यादा के लिए अधिकार के लिए व्याप के लिए इस भारत सरकार ने वर्तमान भारत सरकार ने जो काम किया है वो अद्भुत है। विचारों को ये विश्व के कितने पर फैलाएगा और जो हम बात करते थे कि भारत की भाषा नहीं है हिंदी केवल 140 करोड़ लोग नहीं बोलते हिंदी पूरा विश्व हिंदी को बोलता है किसी न किसी भाव में किसी न किसी शब्दों को लेकर के। साथ ही साथ एक बात हम और कहेंगे कि ये जो दक्षिण प्रशांत महासागर के बाद का जो हिस्सा है फिजी भारत का इसका जो तारतम्य है जैसे सागर में गहराई है वैसे ही भारत और फिजी के रिश्ते में गहराई है। जैसी तरलता प्रशांत महासागर में है वैसी ही तरलता भारत और फिजी के रिश्ते में है। जितनी पारदर्शिता इस महासागर में है वैसी ही पारदर्शिता भारत और फिजी के संबंध में है। तो यहाँ पर आकर के जितने भी कोई भी यहाँ पर आए हैं उनको दूसरा भारत लग रहा है कि हम फिजी में आए हैं तो हम दूसरे भारत में आए और यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं यहाँ के जो विषय हैं इस बात का जो केंद्रीय विषय है वो भी बहुत अद्भुत है और इस विषय को लेकर के केवल हिंदी जगत में ही नहीं तो पूरे विश्व में प्रक्रियाएँ आ रही हैं और इसका जो निष्कर्ष होगा कि पूरे के पूरे भारत को पूरी भारत की संस्कृति को पूरे भारत के विचार को ये विश्व में प्रतिस्थापित करेगा ऐसा मेरा मानना है और ये विश्वास है। Fight!
and gentlemen, just on to your left and right, we're in the entering Nandi town. So just in case, if you find time during your busy schedule at the conference, and if you want to come down to Nandi town, this is the place. You'll come from the other end of where Sheraton Fiji or Demerara Island is located, on the other end. This is the back part of Nandi town. Nandi town has a population of just around 45,000 people that live and work around Nandi, within and around Nandi town, the suburbs area, the small suburbs and village communities around this area. Majority of Fijian people that live in Nandi work in the tourism sector or in the tourism industry, and also our aviation industry. As you also know that we have our main international airport, which is called Nandi International Airport, that is located only 20 minutes away from here where you came. So this is the end of business in Nandi. It's already 5 p.m. and most people have already locked up and gone home. But if you have time, this is a very good shopping area to come and look for inexpensive or cheap things that you can buy as souvenirs and take home. The one shop that I would recommend that you come shopping to is called Jacks of Fiji. Jacks of Fiji Handicraft. Because the things that you purchase here can be taken across through customs. They all have certificates and stamps. If you're buying wood carvings, anything that is made of wood, etc., or other small souvenirs, but at least take a small piece of Fiji back home with you. Keychains, magnetic stickers. This is the shop on to your left hand side, Jack's Handicraft, which I highly recommend. ये देखिए इनके स्थानीय आदिवासी, इनके हथियार, ये देखिए ग्रामीणों के द्वारा बनाई गई, इसको हम भारत में हथकरघा बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट। तो ये किस प्रकार से, देखिए ये चीज़ें हैं, बास्केट है, पर्स है, जस्ट लाइक आप इसको कल्चर प्लेस को हम जैसे सूरज का हमारे यहाँ मेला लगता है, देखिए किस प्रकार से छत बनाई जाती है, ये चटाई है, इसकी हम उपमा भारत के सूरज को मेले से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, देखिए एक एक चीज़ को इन्होंने बड़ा ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। ये भारतीय समुदाय के अपने लोग, जितने प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। नीलम जी से मैं बात कर रहा हूँ। नीलम जी, आपको यहाँ पर कल्चर विलेज में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने पुराने राज के गांव में, इसी तरह के चारों ओर से पास चलते, चलते बात करो, चलते चलते हुए पास के जंगल हैं, और जैसे हमारे अंडमान में आदिवासी जातियाँ हैं, उनको देख के भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि हमारी जो पुराने ट्रेडिशनल जातियाँ हैं। आइए ना, फिर थोड़ा इनके साथ कदम थिरकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, इससे पहले देखिए बर्तन यहाँ के किस प्रकार से बनाए गए हैं। ये जो ऐसा लग रहा है जैसे हम सूरज कुंड के मेले में आ गए हैं। ये देखिए पुरानी किताब, डायरी, कैसा लग रहा ललित जी? ऐसा लग रहा ना जैसे हम सूरज कुंड के मेले में आ गए हैं। बांस के पेड़ देखिए, मेरे पीछे बांस के पेड़ हैं। यहाँ बांस के पेड़ से
आचार भी बनाया जाता है वो भारत में बनाया जाता है, लंबे लंबे बांस के पेड़। और ये विलेज ये बाड़ है, और आप एक विशेष देखिए जिनको हम एक बोलते हैं ना बीच बीच में पिलर्स, पिलर्स पे भी एक कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं। ये लकड़ी के पिलर हैं, स्लीपर। एक और चीज़ देखिए मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वो एक धार्मिक कृति लग रही है, बहुत ही अच्छी एक महाशूज तो हम नहीं उतार सकते, जूते तो दिन में उतार पाएंगे, लेकिन ये देखिए मैं पहुंच गया हूँ। एक मैं ऊपर से लेके जाता हूँ, ये घास फूस का एक स्ट्रक्चर है ताड़ के पत्तों से, और ये मंदिर है, ये एक मंदिर है, ये मंदिर है, टेंपल है। और ये देखिए, ये देखिए खत लटकी हुई है, एक बौद्ध जिसको बोलते हैं ना बौद्ध, ये देखिए ऊपर तक, ऊपर तक खत लटकी हुई है। ये शंख लिपटे हुए हैं, ये खत है, ये देखिए लाइट नहीं है यहाँ पर। और ये देखिए मैं जहाँ तक मेरी कैमरे की लाइट भी नहीं काम कर रही, ये एक पुरोहित या जिसको मानते हैं यहाँ पर धार्मिक नेता का ये निवास भी मान सकते हैं। मंदिर तो नहीं है, बाहर से मंदिर जैसा लग रहा है। ये बौद्ध में ऐसा पाया जाता है, खत होती है, खत लटकी हुई है, और उसके तरफ दूसरे पिलर पे इन्होंने एक उसको चुनरी कहें क्या कहें वो लिपटी हुई है। क्या है ये हाँ नहीं ये मंदिर तो नहीं है ये, आइए पूरा भारतीय प्रतिनिधि मंडल आ चुका है, और यहाँ पर विशेष रूप से हमें भ्रमण करने का कार्यक्रम बनाया गया, और हम बड़े उत्साहित हैं, उल्लासित हैं कि हमें एक ऐसी जगह लेके आए। से साथ में थे, हमारे बीच में अमेरिका से मिश्र जी आए हुए हैं, वो सामने बैठे हुए हैं, उनको भी हम लोग सुनेंगे। रेणु सिंह जी हैं, वंदना झा जी हैं, जिनसे भय भी लगता है, ज्ञान का भी भय लगता है, और बाकी भी भय लगता है क्योंकि बहुत स्पष्टवादी हैं। इन सभी के बीच में जंग बहादुर पांडे जी रांची से हैं, और आप सभी हिंदी से हैं। आज हम समुद्र तटीय इस द्वीप पर जो 330 द्वीपों का एक समूह, एक समुच्चय का एक बड़ा द्वीप है, वहाँ बैठे हैं। मैं देख रहा था सुबह एक तरफ समुद्र की उत्ताल तरंगे लहरें लहरा रही थी, लहरों का ज्वार उठ रहा था, दूसरी तरफ
हिंदी का एक ज्वार, हिंदी का यह महाकुंभ, जलाशयों के तट पर हिंदी महाकुंभ हुआ करते हैं, यह हिंदी का महाकुंभ था। हमारे अनन्य शुभेच्छु प्रोफेसर वाजपेयी साहब बैठे हैं, हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी जो संस्तुतियों का जब समय आएगा तो कुछ हमको मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि हर सत्र की कुछ संस्तुतियाँ जानी हैं। पिछले सत्र की जो संस्तुतियाँ थी मॉरिशस सम्मेलन की, उनका अभी समाहित उनको नहीं किया जा सका है। हम हिंदी को विश्व स्तर पर इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में वैश्विकता की आंतरिक संभावनाएं बनी हुई हैं। वह ऐसी एक भाषा है जो लगातार प्रगतिशील है, लगातार बढ़ने की ओर अग्रसर है। अभी आप जितने यूनिकोड आ रहे हैं, जितने विभिन्न संसाधन आ रहे हैं, उनके माध्यम से अवलोकित करें कि निश्चित तौर पर हिंदी अग्रगामी है। पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में हिंदी के अखबार निकल रहे हैं, मैगजीन्स निकल रही हैं। अभी श्रीमान महेंद्र चौधरी साहब ने कहा कि फीजी से भी अनेक संभावनाओं के साथ अखबारों के प्रकाशन हो रहे हैं। चाहे उन्होंने कहा कि कुछ प्रकाशन ऐसे भी हैं जो केवल छठे समासे या होली दिवाली पे निकलते हैं, लेकिन वो हमारा एक बहाना है काम करने का, निकलने का, बात को रखने का। क्या होली एक बहाना नहीं अपनी बात कहने का? दिवाली उत्सव धर्मिता का एक बहाना नहीं है? ठीक उसी तरह से जब हम हिंदी में कोई पत्रकारिता करते हैं, चाहे विजुअलिटी के साथ करते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के साथ करते हैं, village. So the highest roof is the church. Church? Yeah, Christian. Vision Christian. So that's Methodist church. So we have the Methodist, we have the Assemblies of God, and also the Catholics. So Fiji is back to Christian state again. So Narewa village, the church is the largest building in the village green, and then followed by the chief's house. Chief's house and individual family houses scattered out in the village green. This is the difference. Fijian villages, we live in a communal way of lifestyle, meaning we share what we have more to those that have less. If I'd be having tea, I run out of sugar. I will just go over to the next house and ask for sugar. But whenever I have more, I will give back that they gave. And that lifestyle has gone into all communities here in Fiji. So all Fijian families, like what I've said earlier, we are all Fijians. So all Fijian families in Fiji are doing that lifestyle now, sharing what they have more to those that have less. And you can see, friends, there's no fencing in between houses, with the houses that you'll be seeing in the town and the main highway to the culture village. By themselves and some carpenters also. So we have construction companies that are locally owned. There's no fencing in between houses. As you can see, now here it starts with fencing. You're not allowed to cross over. But in the village green, you are allowed to grow from one side to the other, walking freely. And to the left hand side, one of the local high school, where most of our rugby sevens players, they studied. Yes, that's rugby. So on our way back, we'll be going through Nandi town and stop at the markets before we head back. We'll come back on the other side for you to take more pictures before we head back. So once again, ladies and gentlemen, beautiful smiles, happy people. That is the only Hindu temple we have on this island. This is the largest one in the southern hemisphere. So when they start constructing, we don't even know that the Hindu temple was the one thing they were constructing, because construction board was that high. So when they were done with painting and all, the construction board goes down, and then we know we have the largest Hindu temple on this part.
thank you very much, ladies and gentlemen. Once again, Bula! Bula! You can do much better than that. Bula! Bula! My name is Max. I'll be a host this afternoon. Yes, so first of all, I want to welcome you. Welcome to the Cults of Village Soul. First, the group, they will perform to you the feature in the traditional dances. अब अपनी होटल की बालकनी में खड़ी हूँ और जैसे मैं घूमती हूँ मेरी बालकनी के ठीक सामने लहराता प्रशांत महासागर और उसी के एक द्वीप पर होटल शेरेटन में हम लोग ठहरे हुए हैं। बिल्कुल मेरी बालकनी के एकदम सामने और आप लहराते हुई गरजती हुई लहरों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। आपको लगभग 40 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है। आप वर्तमान में अनेक शासकीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य हैं। आपको हिंदी की सेवा के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी, आपने पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्य किया है। आप अनेक समितियों में अध्यक्ष और सदस्य के रूप में सहभागिता करके अपना योगदान दे चुके हैं। आप अनेक पुस्तकों जैसे घेरे के बंदी, भारत एक और भी आदि के रचनाकार हैं। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है और आपके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं।
प्रोफेसर कुलदीप चल अग्निहोत्री जी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ए भवानी। डॉक्टर ए भवानी तमिलनाडु राज्य की शामिल हैं। आपने प्रतिष्ठित समाचार पत्रों पत्रिकाओं में अनेक लेख शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आप अनेक प्रतिष्ठित सम्मेलनों कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। आपको किसी सेवा प्रदान करने के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ए भवानी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जुम सिंह सिराम जी को। आप पिछले 30 वर्षों से रेडियो फिजी द्वारा वेदों पर हिंदी में विभिन्न भक्तिमय कार्यक्रमों पर व्याख्यान देते रहे हैं। आप प्रवासी भारतीयों में हिंदी के प्रचार प्रसार के योगदान दे रहे हैं। आपने फिजी में हिंदी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। सभी हिंदी प्रेमी साहित्यकारों को सभी को बहुत बहुत मेरा सप्रेम नमस्कार। विश्व हिंदी सम्मेलन जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित हुआ उसमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और फिजी में वहाँ पर बहुत एक ना भूलने वाली अनेक सुखद घटनाओं को मैं अपने हृदय में संजो के लेके आया हूँ। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में जाने के लिए मैं मेरे जो हेतु और सेतु बने वे हैं आदरणीय श्री श्याम परांडे जी, सेवा इंटरनेशनल के आप चेयरमैन हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेवा परिषद के आप प्रमुख हैं, दूसरे श्री अनिल जोशी जी जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के आप माननीय उपाध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आदरणीय संगठन मंत्री श्रीधर पराटकर जी के माध्यम से मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से मैंने प्रतिनिधित्व किया और मुझे ये बताते भी बड़ा हर्ष हो रहा है। ये मैंने अपनी आकांक्षा अनिल जोशी जी से भी ये व्यक्त की थी कि फिजी जाने का मेरा एक मुख्य कारण जो है वह है आर्य समाज के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक स्वामी दयानंद जी से दीक्षित। स्वामी दयानंद जी ने 5 लोगों को सर्वप्रथम दीक्षित किया था, उसमें से हमारे परिवार के हमारे पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी के पड़बाबा, उसकी अगली पीढ़ी हम हैं। परंपरानुसार पारिवारिक परंपरानुसार हमारे पिताजी भी भजनोपदेशक रहे, फिर राष्ट्रकवि हुए। उस महान व्यक्तित्व का नाम होता है
अमीचंद जी, भक्त अमीचंद जी, भक्त अमीचंद जी के लिखे हुए भजन, गाए हुए भजन पूरे आर्य जगत में सुविख्यात है, बड़े श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक गाए जाते हैं। अमीचंद जी भारत के साथ साथ चाहे मॉरिशस हो, चाहे फिजी हो, चाहे जितने भी जहाँ पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का काम है, आर्य समाज का काम है, वहाँ पर उनका बहुत ही लोकप्रिय नाम होता है। ये बात मुझे अनिल जोशी जी से ज्ञात हुई थी कि फिजी में अमीचंद जी की पोथी बहुत लोकप्रिय और प्रचलित है। तो मैं ये आकांक्षा लेकर के मैं गया था कि मैं वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के साथ साथ मैं आर्य जगत के लोगों से मिलूं, तो मैं आर्य जगत के लोगों में से मैं श्री भुवन दत्त जी जो आर्य प्रतिनिधि सभा का काम फिजी में देखते हैं उनसे मिला, कई जानकारियां मिली, अद्भुत जानकारियां मिली। डॉक्टर कमलेश आर्य जी जो पूर्व सांसद हैं फिजी के, वैदिक प्रमुख आर्य समाजी हैं, उनसे मिलना हुआ। मैंने अपने पिताजी की जो मेरे बड़े भाई डॉक्टर रविशंकर आर्य जी ने पुस्तक तैयार की है अमीचंद जी के भजनों की और यज्ञ की, वो उनको भेंट की। तो मैं वहाँ से अपने परिवार के बारे में भी अनेक मेरे लिए दुर्लभ जानकारियाँ मैं लेकर के आया। तो बहुत ही श्रेष्ठ जानकारियाँ हमें मिली। और ये तो था मेरे एक उत्साह और उल्लास का कारण। साथ ही जो विश्व हिंदी सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चात्मक सत्र रहे, उसमें हमारे आदरणीय श्रीधर पराटकर जी का व्याख्यान, श्री अनिल जोशी जी का व्याख्यान, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री श्री महेंद्र चौधरी जी का व्याख्यान, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार निर्जा माधव जी का व्याख्यान और अनेक ऐसे प्रमुख लोगों के व्याख्यान मैंने इसमें संकलित करने के प्रयास किया है। साथ ही साथ बहुत ही संकलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे ऐसे मैंने चित्रों को भी समायोजित किया है। इसको मैं डॉक्यूमेंट्री तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं एक संकलन जितना करने का मैं प्रयास कर सकता था वो मैंने किया है। और यदि आपको यह संकलन अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको साझा करने का कष्ट करेंगे, जिससे कि विश्व हिंदी सम्मेलन की जो ये सुगंध है फिजी की बहुत ही दूर दूर तक जाए। दो शब्द आज तक मेरे शब्द मन मस्तिष्क में गूंजते हैं, फिजी के लोगों में बड़ी आत्मीयता देखी। एक शब्द था बुला, बुला का शाब्दिक अर्थ होता है फिजी का कि आपका स्वागत है श्रीमान, और एक है बिनाका का अर्थ है कि आपका आभार। ये दो शब्दों ने पूरी आत्मीयता को हमारे अंदर आत्मसात कर दिया। हर समय जिस प्रकार के उनका आतिथ्य था वह हमें बहुत ही प्रफुल्लित कर गया। इसी प्रफुल्लित भाव के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस मेरे छोटे से प्रयास को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
सीएम साहब हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? सतमुला खाओ कुछ भी बचाओ।